नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं हम आप लोगों के लिए कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि करंट के क्वेश्चन हैं तो परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है अपना, वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया जाता है? वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहला है अपना COVID-19, चाइना वायरस, Corona-19 या इनमें से कोई नहीं। देखो अपना पहला सही हो जाएगा COVID-19। वुहान तो आप लोगों को पता होगा, वुहान एक चीन का शहर है, वुहान, जिसकी राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग राजधानी इसकी। और ये वुहान शहर से चालू हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस का नाम दिया था, दूसरा से हो जाएगा SARS-CoV-2, यानी नाम दिया था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो अपना बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, COVID-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो आप लोगों को बता दें कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने COVID-19 को महामारी घोषित किया है, और इसका मुख्यालय है, जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, ठीक है। COVID-19 को किसने महामारी घोषित किया है? WHO ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा गया था? क्योंकि यहाँ पर पहले तो पहले आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया था। पहले यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन सफल नहीं हुआ तो वहाँ पर पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया था, और भारत का पहला राज्य भी यही बन गया था, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो किस दिन लगाया था दोस्तों? ये लगाया था 22 मार्च 2020 में। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो 22 मार्च हो जाएगा अपना, 22 मार्च के दिन लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो अपना पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है इसकी राजधानी? जयपुर। चलिए आगे कुछ नहीं देखते। COVID-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? COVID-19 बीमारी है, वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता था? तो अपना दूसरा हो जाएगा इसमें फेफड़े, ठीक है। COVID-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस कोविड 19 के टेस्ट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा RT-PCR। इससे चेक करने के लिए पता चलता है कि किसको कोरोना पॉजिटिव है और किसको नेगेटिव है। तो किससे पता चलता है? RT-PCR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई है, ये चीन के किस प्रांत में पड़ता है? चीन से किस प्रांत में पड़ता है? तो हो जाएगा हुबेई। COVID-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है?
बताइए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या तत्पर होगा? बारिश होगा। क्या होगा? बारिश। कोरोना महाबारिश को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये होगा अपना हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य बना है कोरोना वायरस महामारी घोषित करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले हमारा, अगर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए जीके बुक को, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? कितनी दी है? $10 मिलियन भारत ने। ठीक है, सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम होता है सोशल ऐप, उसने अपने यूजर्स को जागरूक करने के लिए, इसके लिए बताएं के लिए कौन सा ऐप फीचर्स लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, इंस्टाग्राम फीड। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा फीड। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने भी लॉन्च किया है, सोशल ऐप है जो कि, तो इसमें हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, व्हाट्सएप चैट पैड। ठीक है, व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? देखिए फेसबुक ने भी किया है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए दोस्तों? तो अपना ये हो जाएगा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? कौन सा किया है? ये हो जाएगा google.com COVID-19। ठीक है, पहला हो जाएगा अपना सही है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो इसका पहला हो जाएगा कोवा पंजाब। ठीक है, इसी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जागरूक करने के लिए। अपना आखिरी क्वेश्चन आ गया है। माइक्रोस्कोप द्वारा यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो इसमें अपना पहला हो जाएगा क्रो, यानी मुकुट भी कहते हैं इसको, के समान दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों हमारा जीके बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर क्वेश्चन शेयर कीजिए वीडियो, ताकि बहुत से लोग देख सकें। हाँ, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको अगर वीडियो अब हम डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।